किचन में। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ संक्रांति स्पेशल रेसिपी तिल पट्टी। ये हर घर में बनाई जाती है, हर संक्रांति के दिन आप इसे एंजॉय करते हैं। लेकिन आज की जो रेसिपी है दोस्तों, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपकी तिल पट्टी कभी नहीं छूटेंगी। एकदम परफेक्ट तरीका मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। एकदम पतली लेयर और क्रंची भी ये बनने वाली है, जिनके दांत भी ना हो वो भी लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये क्योंकि बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनने वाली, एकदम क्रंचीनेस बहुत ही अच्छा आने वाला है। और हम इसे कैरेमलाइज करके बनाने वाले हैं, ना कि एकदम सिंपल पाक बना के नहीं करने वाले। तो एक कैरेमल का फ्लेवर भी हमारी तिल पट्टी में होने वाला है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इस संक्रांति में आपके सारे दोस्तों को इसे जरूर फॉरवर्ड करिएगा। और ये जो रेसिपी है दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैं आपको एक टिप बताना चाहूंगी कि जब भी आप तिल पट्टी बनाएंगे तो एक एक बैच में इसे बनाइएगा। बिल्कुल भी घाई गड़बड़ी ना करिए कि दो तीन तिल पट्टी का एक ही साथ में आपने बना लिया है, जो भी चाशनी है या जो भी हमको प्रोसेस बताने वाली हूँ वो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं तिल पट्टी। दोस्तों तिल पट्टी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको बेलन को अच्छे से घी लगा लेना है, जैसे मैंने लगा लिया है आप देख सकते हैं। और जो आपका नीचे का बेस है उसे भी अच्छे से घी लगा लेना है, ताकि आपकी तिल पट्टी जो है बिल्कुल नहीं चिपके। ये स्टेप पहले ही आपको करके रखना है, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला। दोस्तों अब मैंने एक छोटी कढ़ाई रख दी है गर्म करने के लिए। ज़्यादा मोटा बड़ा आपको नहीं लेना है पतीला। और ये जैसे ही गर्म होने लगे इसमें हम डालेंगे तिल। यहाँ पर मैंने अनपॉलिश तिल लिया है, तो ये मैं लेने वाली हूँ 2 टेबलस्पून। ये 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया, और ये एक ऐसे 2 टेबलस्पून मैंने तिल डाल दिया है। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि तिल नीचे से जल जाने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और हमें ज़्यादा नहीं भूनना है तिल को, बहुत हल्का सा भूनने वाले हैं। बस ये चटकने लग जाए, थोड़ा सा तड़कने की आवाज़ आपको आ जाए, फिर हम तिल को निकाल लेंगे एक बाउल में। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कैसे तड़कने की आवाज़ आ रही है तिल की। मैं फ्लेम को अब कम कर रही हूँ और ये हम निकाल लेंगे एक बाउल में। और अब इस गरम कढ़ाई में ही मैं डालने वाली हूँ शक्कर। शक्कर भी मैं लेने वाली हूँ 2 टेबलस्पून। आप घर में जो जनरली चीनी यूज़ करते हैं हर रोज़, वही आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सफ़ेद चीनी ली है। इसमें हम पानी नहीं डालने वाले हैं दोस्तों, बस आपको इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना है ताकि ये कैरेमलाइज हो जाए। हम वही कैरेमल यूज़ कर रहे बना रहे हैं जो हम जनरली केक में या आइसक्रीम में यूज करते हैं, ये वही कैरेमल है। क्योंकि पानी वाला कैरेमल मुझे पसंद नहीं है, उसका पहले पानी हमें पूरा निकालना पड़ता है और उसके बाद में जाके वो चाशनी बनती है। तो इससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली चीनी को पिघला कर ही चाशनी बनाएं। अब इस स्टेप पर आप फ्लेम को थोड़ा हाई कर सकते हैं, जब तक आपकी जो चीनी है वो पिघलने की आपको चांसेस ना दिखे। आप देख सकते हैं अभी साइड्स से ये चीनी पिघलने लगी जैसे ही मैंने तेज आंच की। और अब मैं आंच को फिर से कम करने वाली हूँ, और कम आंच पे ही इसे अब हम पूरा पिघलाएंगे। जैसे ही ये पिघलने लगती है इसके लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे लम्स ऑटोमेटिकली पिघल जाते हैं जैसे जैसे इसका कैरेमल पूरी तरह से बन जाए। आपको बस इसे कंटिन्यूसली स्टेयर करना है, बाकी कुछ करना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है बीच में, क्योंकि ये नीचे से लग जाने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो बीच में ना छोड़े, कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारा जो कैरमल है वो
अच्छा खासा बन गया है और फ्लेम अभी मैं ऑफ कर रही हूँ। जैसे ही आपको ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे और सारे जो लम्स हैं वो चले जाए। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी भुनी हुई तिल जो हमने बनाई थी और इसे मिक्स करना है। जैसे ही इसका एक गोला बन जाए इसे मैं रख दूंगी हमारे बेस पर जिस पर हम बेलने वाले हैं। अब इसको मैंने डाल दिया है हमारे बेस पर। आप एक नाइफ की मदद से जो चिपका हुआ तिल है वो भी निकाल सकते हो। जो मैंने निकाल लिया है नाइफ की मदद से ही इसे थोड़ा सा पलटाएंगे ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए, बेलने के लिए रेडी हो जाए। अब ये काफी मतलब छूने लायक हो गया है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। और अब हम इसे स्टार्ट करेंगे बेलना। बहुत फास्ट आप सबको इसे बेलना होगा। शेप की चिंता मत करिएगा जब आप बेल रहे हैं, एकदम पतला करना है हमें, तो एकदम फटाफट बेलेंगे। जितना आप जल्दी बेलेंगे उतना ही पतली होगी आपकी तिलपट्टी। सारी साइड्स कॉर्नर्स जो भी है फटाफट एकदम जोर लगा के इसे बेल लीजिए। जितना जल्दी बेल पाते हैं आप उतना ही आपकी जो तिल पट्टी है वो पतली बनेगी। अब आप देख सकते हैं मैं कितना भी जोर लगा रही हूँ ये नहीं हो रही है, इसका मतलब है अभी ये पूरा सेट हो गई है। तो जितना पतला मैं कर सकती थी उतना मैंने पतला कर लिया है इसको। थोड़ा सा जब ये सेट होने लगे तो नाइफ की हेल्प से आपको बस साइड्स जो है इसके निकालने हैं। और आप देख सकते हैं वाव जबरदस्त, ये हमारी रेडी है तिल पट्टी। आपको इसकी जो मोटाई है वो भी दिखा देती हूँ कितनी पतली है, आप देख सकते हैं दोस्तों। सेम वैसी ही है जैसे बाजार में मिलती है। और ये बस थोड़ा सा सेट हो जाने के बाद हम इसके टुकड़े करके इसे स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। हमारी जो तिल पट्टी है वो बहुत ही क्रंची बनती है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए काफी पतली भी है। आप अभी इसे स्टोर करना चाहते हैं तो बीच बीच में जैसे और एक तिल पट्टी है इसके बीच में आप वैक्स पेपर डाल दीजिए और उसके ऊपर ये रख दीजिए ताकि ये बहुत से दिनों तक स्टोर हो सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रेडी है हमारी तिल पट्टी। आप भी जरूर बना के देखिए, अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगती है। और एंजॉय करिए ये संक्रांति का सीजन हमारी तिल पट्टी की रेसिपी के साथ।